नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। पुलिस इन दिनों खास तरह से एक्टिव नज़र आ रही है, बहुत एक्टिव है जमुई की पुलिस। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जमुई कटौना के पहाड़, जो पत्नेश्वर पहाड़ है, वहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दरअसल मामला एक मर्डर का है और कल शाम में एक हत्या हुई, उसके बाद से लाश लापता थी, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और यहाँ पर जब पुलिस पहुँची है, कटौना जो हाईवे है में मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग पर से खून का कतरा, कुछ बूंदें नज़र आई और उन बूंदों के पीछे कतरा को तलाश करते करते पुलिस पहाड़ के ऊपर लगभग 300 फीट ऊपर तक पहुँची है और वहाँ पर जाकर लाश मिली है। युवक के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि लक्ष्मीपुर के दिघी गांव का रहने वाला है युवक और उसकी हत्या उसके परिवार में ही उसके संबंधी भाई ने, मौसेरे भाई ने की है, जैसा कि अभी पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है। यहां पर अभी एसपी जमुई के डॉक्टर सौर सुमन भी पहुँचे थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये घटना हुई है उसके हमको सूचना जैसे ही मिली, तुरंत आपको SHO वहाँ रस किए, SDPO जमुई रस किए और विदिन 6 आवर्स इन्होंने डिटेक्ट किया और जो डेड बॉडी है उसको इन लोगों ने रिकवर कर लिया। आगे हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं और देखते हैं क्या मोटिव रहा है। ये देखने से अभी बस इतना कह सकता हूँ कि पर्सनल विवादी है, अपने ही परिवार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें आ रहा है। अभी FSL की टीम भी आ रही है, डॉग स्क्वाड का भी हमने यहाँ उपयोग किया है, उससे आपको जो डेड बॉडी है वो खून का अपने निशान आप लोगों ने देखा ही होगा, हर जगह खून का निशान था, तो शायद बॉडी को नीचे आपको इनकी हत्या करके ऊपर लाने के फेंकने का प्रयास किया ताकि जंगली जानवरों को तो एविडेंस मिटाने का प्रयास किया गया। आगे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और ऐसा कुछ विस्तृत पता चलेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो सुना आपने, ये थे जमुई के SP डॉक्टर सौर सुमन, घटनास्थल पर पहुँचे थे मौके से, जहाँ पर से बम बरामदगी हुई है, लाश को रिकवर किया गया है यहाँ पर से, पहाड़ी है और यहाँ पर जो पुलिस पहुँची थी वो खून के कतरे को, बूंद बूंद को देखकर पहुंची थी यहाँ पर। हालांकि डॉग स्क्वाड भी वहाँ पर मंगवाया गया था, उसकी भी मदद मिली है और उसके बाद से पुलिस लाश को बरामद करके यहाँ से जा चुकी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।